छह सितंबर उन्नीस सौ पैंसठ को क्या हुआ था छह सितम्बर उन्नीस सौ पैंसठ को हमारे दुश्मन भारत ने छुपके अखागा बॉर्डर पे हमला किया था जिसका हमारी फौजों ने भरपूर जवाब दिया इंडिया की हमेशा चाय पीने की ख्वाहिश रही है ये चाय पीने की ख्वाहिश रहती है ये चाय हमारे पास पीने आते हैं अभी उनका पीछे एक पायलट भी आया था हमारे चाय पीने हमने उसको चाय पिला के भेजा भी था अच्छी तरीके से चाय तैयार है वो आ सकती है अपना मेक ट्वेंटी गिरा सकते हैं पायलट को चपेड़े खिला के चाय चाय खिला के वापस लेके जा सकते वो जब आएंगे हम तो उनको वेलकम ही करते हैं वो कहते नहीं है कि प्यार से मांगे तो जान भी दे देंगे अगर आंखें दिखाएंगे तो फिर तो हम छोड़ेंगे नहीं असलम नाजरीन मैं हूँ डॉक्टर माजिद खान नाजन 6 सितंबर उन्नीस वो दिन जब हमारे पड़ोसी मुल्क ने हम पर एकदम से हमला कर दिया और उनकी विश ये थी कि वो लाहौर में आएंगे और आकर चाय पियेंगे और यहाँ पर आके कर इंजॉय करेंगे मगर उनके तमाम के तमाम ख्वाब ढेर के ढेर रह गए और हमारे मुल्क पाकिस्तान ने हमारी आवाम ने और हमारी फ़ौज ने मिलकर उनको नाकों चने चबवाए मगर बदकिस्मती से अब इस वक्त हमारी जो बहुत सी यूथ है वो छः सितम्बर उन्नीस सौ पैंसठ डिफेंस डे के मतलब बहुत ही कम शौर रखती है इतना नहीं जानती देखते हैं हम लोग कि इस बात में कितनी हकीकत है आज चलते हैं लोगों से पूछते हैं कि व्हाट इज़ डिफ़ेंस डे छः सितंबर उन्नीस सौ पैंसठ को तो क्या हुआ था और इसके अलावा अगर कोई उनका मैसेज है तो वो भी रिकॉर्ड करवाएँगे और चलते हैं जानते हैं आवाम से अस्सलाम वालेकुम जी क्या नाम है आपका मियाँ खालिद महमूद जी मियाँ खालिद महमूद साहब मुझे बताइए कि 6 सितंबर उन्नीस को क्या हुआ था 6 सितंबर उन्नीस को हमारे दुश्मन भारत ने छुप के हम रात के वक़्त हम पे वाघा बॉर्डर पे हमला किया था जिसका हमारी फौजों ने भरपूर जवाब दिया और हमारे बहुत ज़्यादा आर्मी अफसरान और बच्चे शहीद भी हुए थे भले उसके नतीजे में हमें फतेह हुई थी और भारत को मुँह की खानी पड़ी थी मुझे बताइए कि इंडिया की हमेशा चाय पीने की ख्वाहिश रही है ये चाय पीने की ख्वाहिश क्यों रहती है इनकी ये चाय हमारे पास पीने आते हैं। वो अभी उनका पीछे एक पायलट भी आया था हमारे चाय पीने में हमने उसको चाय पिला के भेजा भी था अच्छी तरीके से उसका मैं नाम भूल गया हूँ अभिनंदन हमें अभिनंदन उसको चाय पिला के भेजी थी हमने बहुत अच्छी तरह आप सबको याद होगा तो नेक्स्ट अगर कभी इंडिया ख्वाहिश करता है चाय पीने की तो क्या कहेंगे आप हाँ मैं ये कहूँगा अगर वो चाय पीने आए तो हम मोस्ट वेलकम हम उसका इस्ते करेंगे लेकिन हम उसको मुँह तोड़ जवाब भी देंगे असल वाले क्या नाम है आप अबू बकर अबू बकर मुझे बताइए कि छः सितम्बर को क्या हुआ था छः सितंबर को वही जो हर दफ़ा इंडिया के साथ होता है पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी और इंडिया को मूँगी खानी पड़ी थी जैसे वो हमेशा खाता है एज़ यूज़ुअल तो मुझे ये बताइए कि इंडिया फिर से अगर ऐसी कोई कोशिश करता है तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा और आप क्या उन्हें जवाब देना चाहेंगे मेरा रिएक्शन वही है कि चाहे तैयार है वो आ सकती हैं अपना मेक ट्वेंटी वन गिरा सकते हैं अपने पायलट को चपेड़े खिला के चाय शाय ला के वापस लेके जा सकते हैं और मेरा उनका तो ये पैगाम है यार नेबर बन के रहें वो हमारा ख्याल करें हम उनका ख्याल करें ऐसे फजूल में एक दूसरे को तंग करने का फ़ायदा नहीं है खैर हम तो तंग नहीं करते वही तंग करते हैं वही इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं हम तो खैर कुछ नहीं कहते हैं उनको लेकिन अगर वो नहीं बाजा आएंगे तो फिर ऐसे ही जैसे पहले उनके साथ हो रहा है एज़ यूजल होता रहेगा और वो मूँगे खाते रहेंगे अपने असल वैलिकम जी क्या नाम है आपका मेरा नाम जी शेख यासिर शेख यासिर साहब मुझे ये बताइए कि छः सितम्बर को क्या हुआ था छः सितंबर उन्नीस सौ पैंसठ जिसे डिफेंस डे भी कहा जाता है छः दिसंबर उन्नीस सौ पैंसठ को इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था जिसको हमारी एयर फोर्स ने बड़ी शेर दिली से और बड़ी जरूरत के साथ उसको डिफेंस किया था इस वजह से हम 6 सितंबर का डिफेंस डे मनाते हैं आपने अपने बड़ों से इसके मतलक क्या बातें सुनी 6 सितंबर के हवाले से हमारे हमने अपने बड़ों से यही सुना है कि 6 सितंबर वाले दिन एक जब इन्होंने अटैक किया इंडिया वालों ने तो उस हवाले से हमारी फ़ौजों ने बड़ी मंदा मंदाना जो है वो इस पर उनके साथ मुकाबला किया और उसके अलावा जो जो बहरी और बरी फौज है उन्होंने भी इनके साथ भरपूर तामन किया जिसकी वजह से हम इंडिया को उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें इन द लास्ट कोई मैसेज हाँ मैसेज यही है कि हमें देखें छः सितंबर के हवाले से तो यही है कि हमें अपने बच्चों को इन इस 6 सितंबर की जो वाक्यात हैं उनके बारे में बताना चाहिए ताकि उनके अंदर भी वो जोश जज्बा पैदा हो ताकि वो बड़े होकर वो भी अपनी पाक फ़ौज के बैरी फ़ौज के या बड़ी फ़ौज का हिस्सा बन सके। छः सितम्बर उन्नीस को क्या हुआ था छः सितम्बर उन्नीस को हमने एक जंग जो है जंग जो है इंडिया से वो हमने जीती थी उसी जंग से हमने अपने बड़ों से जो सुना गया है कि उसमें उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी थीं ठीक है उसी कुर्बानियों की वजह से जैसा मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने अपने आप को वहाँ पर सरू किया था और शहीद शहादत नौशरमाई थी तो हम अपनी यंग जनरेशन को यही बताते हैं कि ये जो हमारे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद हैं उन्होंने शहादत किस तरह से आई उन्होंने पाकिस्तान का दफ़ा किया इंडिया को आगे आने नहीं दिया इंडिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है और उन्होंने दिखा दिया कि पाकिस्तान से अगर कोई भी टक्कर लेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे मुझे बताइए कि इंडिया की चाय पीने की ख्वाहिश कब पूरी होगी हाँ। इंडिया की चाय पीने की ख्वाहिश वो जब आएंगे हम तो उनको वेलकम ही करते हैं वो कहते नहीं है कि प्यार से मांगे तो जान भी दे देंगे अगर आंखें दिखाएंगे तो फिर तो हम छोड़ेंगे नहीं हम उनके पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी हैं जो हमेशा अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं उन्नीस में हमारे पड़ोसियों ने चाय पीने की ख्वाहिश जाहिर की और दो में हमने उनको चाय पिलाई अभी भी अगर चाय पीने की ख्वाहिश हो तो हमेशा वेलकम है मगर हम पीस और मोहब्बत चाहते हैं ना कि जंग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए चाय इन्जॉय कीजिए अल्लाह हाफिज़